गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पार्ट टू में आप सब लोगों का स्वागत है। बहुत देर से वेट कर रही थी ना कि सोनिया कब अपलोड करेगी, तो फ्रेंड्स मैंने इसकी वीडियो देखी। पते वो जब ही जाहिल बोलती हूँ जब ही, पते मैंने अब इसको बहरा बोलूँगी, पूछो क्यों, कि ये ना वीडियो देखती नहीं। मैं कहती हूँ अगर आपके आप किसी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हो ना, रिएक्शन दे रहे हो ना, वीडियो देख लिया करो। इसने कहा कि वो नहीं कह रही है कि मैं इसकी अम्मा हूँ, ये कह रही है कि मतलब वो लड़की नहीं कह रही मुझसे कि मैं वो मेरी अम्मा है, बट ये कह रही है कि आप जग की अम्मा हूँ। तो सुन बहरी औरत, कानों की बहरी औरत, कानों से थोड़ा मैल निकाल और सुन। उसने पहले कहा था, मैंने उसको बोला बहन, बहन बोला था मैंने उसको, तो उसने कहा कि मैं तेरी बहन नहीं हूँ, मैं तेरी अम्मा हूँ। ये टोन में बात की उसने, मैं तेरी अम्मा हूँ। तो तब मैंने उसको रिएक्शन दिया था, रिएक्ट किया था कि तू मेरी अम्मा नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी अम्मा बहुत बहुत ही डिसिप्लिन वाली लेडीज थी, और वो क्योंकि अगर वो इस तरीके से वाहियात हरकतें नहीं करती थी। तो मैंने इस चीज़ पर बोला अगर तू बहरी बेवकूफ़ और जाहिल औरत अगर तू सुन ली होती तो आज मेरे ऊपर ये वीडियो ना बना रही होती। और पता है मुझे अच्छा तब लगता कि जब तू मेरी सही चीज़ों पर, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो उस चीज़ पे बोलती। पर पता है तुझे खुद नॉलेज नहीं है कि तुझे बोलना क्या है। जो वो मतलब ये मना कर रही हो, वो लड़की खुद अपनी वीडियो में बोल रही है कि मैं इसकी अम्मा हूँ, और ये बेवकूफ़ औरत मुझे मना कर रही है कि उसने नहीं बोला। तो तू सुन अभी जा और उसकी वीडियो देख के उसने बोला है कि नहीं बोला है। तू कम से कम मेरी वीडियो ना देख, तो कम से कम उसकी वीडियो तो पूरी देख ले, बेचारी का व्यूज बढ़ जाएगा एक, तो उसकी वीडियो जाके पहले देख ले, ठीक है। मुझे सच्ची में बहुत हंसी आ रही है। पता है मैं सोचती हूँ यार कि अगर मैं जिस तरीके से रिएक्शन देती हूँ, अगर मुझे कोई इस टाइप का रिएक्शन देने वाला मिलता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता। पर पता नहीं क्यों जाहिल लोग आके मुझे अपना उन्हें अटेंशन चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें पता है ना कि मैं उनके लेवल पर नहीं जाऊँगी। और ये लोग कहते हैं कि चलो हम कुछ भी बोल के चले आएंगे। तो मेरे पास आप लोगों के लिए, सबके लिए एक राज है कि मैं वीडियोस तो आप पे ज़रूर बनाऊंगी, पर आपकी तरह भूकूंगी बराबर नहीं। मैं बस मेरे को जितना बोलना होगा उतना ही बोलूंगी। तो बोलते हैं ना कि दुनिया भर की पंचायत करने से अच्छा है कि आप गिने चुने वर्ड बोलें और अपने वर्डों से ही उस चीज़ को साबित कर दें। आपको ज़्यादा पूरा दिन चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पूरा दिन नहीं चिल्लाऊंगी, बस एक यही वीडियो बनाया है तेरे लिए, जिसको मैं पार्ट में डिवाइड कर दूंगी और तू ध्यान से देख और सुनती रहे। फिर इस औरत ने मुझसे बोला कि मतलब मुझे बोला कि मैं जगत की अम्मा हूँ और वो मुझसे 2-3 साल छोटी है। तो सुन बेबदिमाग औरत, जो हमारी अम्मा होती हैं वो हमसे बहुत बड़ी होती हैं उम्र में, ठीक है, बहुत बड़ी होती हैं। और तूने मुझे इस लड़की को मुझसे केवल 3 साल छोटा बताया है, फिर तूने इसे मेरी मम्मी से भी कंपेयर कर दिया है। तो यहाँ तेरी चीज़ें बताती है कि तेरी सोच कितनी घटिया है और कितनी वाहियात है। मैंने कभी, पहली बात तो मैं तेरे कभी पर्सनल मतलब तेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाई, फिर बनाई तो उस चीज़ों को वीडियो तक ही सीमित रखती। तू कहाँ के वहाँ कहाँ टपकती हुई जा रही है कि वो बॉल है, इधर भी कूदना है उधर भी कूदना है, और मतलब कहीं से अटेंशन नहीं मिली तो सोनिया के पास जाना है। हाँ ट्यूशन की बात करती है, तो मैंने ट्यूशन की छोड़ ट्यूशन भी पढ़ाया है। और तो अगर तेरा मन हो तुझे, तू क्योंकि तू मुझसे अम्मा बोल रही है ना, तो तू मेरी अम्मा लगती है, ठीक है। पर मैं तुझे ये भी नहीं बोल रही क्योंकि तू भी एक लेडीज़ है, मैं तेरे लिए भी एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। एज सबका होता है, आज तेरा एज है, कल मेरा भी होगा, कल उस लड़की का भी होगा, जिसका है वो आगे भी बढ़ेगा। एज नेचुरल है, वो जाएगा किसी, हम सबको मरना है, तुझे भी मरना है मुझे भी मरना है, तो एज बढ़ता रहेगा। तो इस पर कोई शेमिंग नहीं कि अम्मा है या उम्मी है। मैंने सिर्फ उसको अम्मा के लिए इस चीज़ के लिए टारगेट किया था क्योंकि उसने खुद बोला था कि मैं उसकी अम्मा हूँ, उस लड़की ने बोला था, ठीक है। तो मैंने तब उसको उसके लिए टारगेट किया था, अदरवाइज किसी चीज़ के लिए नहीं बोला था कि मैं उसको पहले से बोलने नहीं चलेगी कि तू मेरी अम्मा है कि मैं। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबी होना तो प्लीज़ मैं सॉरी चाहती हूँ, पर क्या करूँ, मुझे अपनी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए, इन बेहुदे लोगों को, जाहिल लोगों को समझाने के लिए, मैं जाहिल केवल उन लोगों को बोल रही हूँ जो मेरे पे टिप्पणी कर रहे हैं। बाकी के जो लोग मेरे बारे में नहीं बोल रहे, मुझे आपसे कुछ मतलब नहीं है, मैं आपके लिए नहीं बोल रही, तो ठीक है मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। तो इसने कहा जब मेरा एक एज आएगा तो मैं भी अम्मा बनूंगा, और मुझे फ़ख्र है कि मैं अम्मा बनूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के भी नाती पोता हों और मैं भी दादी बनूँ, ठीक है, मोहल्ले की आंटी। तो मैं इस पर आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक काना आदमी था, वो आँख से काना था, और उसको लगता था कि अगर कोई आगे से आदमी आएगा मुझे काना काना बोलेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो उससे पहले मैं ही उसको काना काना कहना स्टार्ट कर देता हूँ। तो जब भी कोई अच्छा इंसान आता तो उसको कहने लग जाता काना है, एक आँख से काना है, एक आँख से काना है।
तो ये इस महिला की फितरत है कि इसको कहीं भी कुछ लेडीज दिख जाती हैं या बेचारी कुछ भी बात कर रही हो तो इसको लगता है ये चुगलखोर आंटी है, ये चुगलखोर आंटी है, क्योंकि इसके माइंड में हर टाइम यही बातें चलती हैं। तो ये इसीलिए हर टाइम मैंने इसकी एक दो वीडियोस देखी हैं, हालांकि मुझे ये डिजर्व ही नहीं करती इसकी वीडियो देखना, बट अभी आ ही जाती है। वो भी अभी की वीडियो नहीं, बहुत पुरानी वीडियोस थी, जब मेरा अलका दीदी के साथ भी कुछ नहीं था तब इसने बोला था आंटी मोहल्ले की आंटी। तो सुन, मैंने बताया किस्सा, वो तेरे पे लागू होता है। तू वही चीज़ सोचती है कि अगर मैं किसी, अगर मेरे में ये कमी है तो मैं क्यों ना सामने वाले इंसान से बोलना स्टार्ट कर दूँ। तो ये औरत तो वही करती है, दूसरों के मोहल्ले का आंटी बताती है। तो इसलिए फिर मुझसे पूछा कि तेरे बारे में किसी ने यहाँ पूछा तो पागल, जाहिल, गवार, गटर, छाप औरत, तू जा और पहले उनकी वीडियो देखकर आ। क्योंकि अगर तू मुझे कहे उसने कुछ बोला है, बट तूने वो चीजें बोली हैं जो कि उन लोगों ने खुद बोली थी कि तू अपने बारे में ये बता रही है, वो बता रही है कि हमारे घर में ये है वो है। तब मैंने बोला था, तब मैंने अपने घर के बारे में बताया था। फिर इसने बोला मेरी औरत ने कि हमारी भी ग्रैंड मदर थी, हमें भी डिसिप्लिन में रखा। तो जाहिल औरत, तो सुन, जब मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे डिसिप्लिन में रखा, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन को रखा, वो सब डिसिप्लिन में, तो तू जाहिल औरत क्यों नहीं सीख पाई डिसिप्लिन, मुझे ये बता दे पहले, क्यों नहीं सीख पाई? सीखती ना, फिर तू उसको बोल रही है कि उसको भी सिखाया होगा। तो यानी तुझे पता नहीं है, जब तू उसके लिए वीडियो बना रही है, तू उसके लिए भी वीडियो बना रही है, तो तुझे उसके बारे में भी नहीं पता। बट तुझे क्या है कि बीच में अटेंशन चाहिए, नॉलेज हो या ना हो, बट तुझे बीच में अटेंशन बराबर से चाहिए। तो ले, मैं तुझे इस वीडियो में दे देती हूँ बराबर से अटेंशन, और ले और जिंदगी भर रख, और इसके बाद कंटिन्यू भोंक, और जो एक हेल्पर लेके उससे भी भुकवा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरी इस चुल्लो लुल्लो बातों से। समझ में आया? फिर इस औरत ने मुझसे बोला कि तुझ में तमीज है, मुझ में इतनी तमीज है, इतनी तमीज है कि मैं आज तेरी इस बकवास का भी अच्छी तरीके से रिप्लाई कर रही हूँ, और उस लड़की की बकवास का भी मैंने अच्छी तरीके से रिप्लाई किया था, और जो एक और थी उसका भी अच्छे से रिप्लाई किया था। ठीक है, तो ये मेरी परवरिश है कि मैं तुम्हारी तरह बिलो टू बेल्ट नीचे नहीं जाती, इसलिए। और तेरी कितनी वो जो पढ़ाई लिखाई तू मुझे ज्ञान दे रही है कि तू पढ़ा ले बच्चों को, ये कर ले, तो सुन, मैं खुद पढ़ा चुकी थी, और मैंने उस वीडियो में, अगर तूने देखा हो तो पूरी वीडियो जाके देख, मैंने उसमें बताया था कि मैं एक टीचर थी, और सुन, मैंने CCC से और DCTT कंप्यूटर कोर्स भी कर रखा है उस एजुकेशन के साथ। वैसे मैं अपनी जो एजुकेशन है यहाँ पे एक्सपोज नहीं की है मेरी एजुकेशन कितनी है, बट क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं, अगर वो एजुकेशन मेरी है तो वो मेरे तक है, मेरी एजुकेशन तुझ पर थोड़ा ना चली जाएगी तो मैं तुझे शो करूं। बट उन लोगों ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने मुझसे उन्हें बताया था कि मेरी एजुकेशन इतनी है कि मैं किसी को गलत नहीं बोल सकती। फिर ये औरत मेरे पापा के लिए बोली कि मतलब मैंने बोला था कि मेरे पापा इस वीडियो को देखेंगे तो वो कभी बोलेंगे कि हमने जो अपने बच्चों को सिखाया मेरे बच्चों ने वही बोला। तो इसने कहा भाई, मेरे पता है ना, सच्ची में मेरे को रोस्टिंग करने का ना, भयंकर वाला रोस्टिंग करने का मन करता है, पर मैं क्या करूँ, मैं तुम लोगों को रोस्टिंग रोस्ट नहीं करती, बस ओनली रिएक्शन दे रही हूँ, एक्शन का रिएक्शन दे रही हूँ। तो तू वही रख, क्योंकि तेरे लिए वही काफ़ी है। तो इसने बोला कि तेरे पापा यूँ नहीं देखेंगे बेटा किसके लिए वीडियो बना रहे हैं, किसके लिए क्या। पहली बात तो जब वो मेरी वीडियो देखेंगे तो मुझ पर बोलेंगे बेटा शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अपने वर्डों को बहुत सटीक रखा, बहुत अच्छी बात की। फिर वो उस लड़की का जाके वीडियो देखेंगे तो पापा बोलेंगे कि और बेटा वो मुझ पर प्राउड फील करेंगे कि उस लड़की ने तुझे इतनी गंदी लैंग्वेज में बात की फिर भी तूने अच्छी तरीके से बोला। फिर एक और दूसरी वीडियो जाके वो देखेंगे तो फिर कहेंगे बेटा तूने बहुत अच्छा बोला, तूने बताया कभी अपनी पोस्ट का या कभी अपनी किसी चीज़ का यहाँ पर गलत मिस यूज़ नहीं किया। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी ये सिखाया है कि जब कोई इंसान अपनी मेहनत से उस चीज को खड़ा करता है तो हमें कोई हक नहीं होता कि हम उस इंसान की मेहनत को यहाँ पर फालतू में स्ट्रिक्चर से यूट्यूब पर लाके उस चीज को रखें। ठीक है, यूट्यूब ही सब कुछ नहीं होता। और अंधी औरत, अगर तू अंधी होती तो मुझे ये इस बात का सब्र हो जाता कि बेचारी ना देख पाती है ना सुन पाती है। अगर तेरे पास ये दोनों चीजें हैं तू तब भी नहीं देख पा रही, तो अब इस चीज के लिए क्या मैं मातम करूं कि तेरे ये जो भगवान ने जो चीजें तुझे दी है तू उसका भी यूज नहीं कर पा रही, तो तू क्या अपनी लाइफ में झंडा गाड़ेगी। ठीक है, तो इसने कहा कि मैं झूठी हूँ, प्रूफ दूँ। तो सुन, पहले मैंने 2-3 प्रूफ दे दिए थे, हालांकि मुझे वो भी जरूरी नहीं लगे थे, क्योंकि मुझे ये भी डिजर्व नहीं करता कि मैं तुझे प्रूफ दूँ। मैंने उसको इसलिए प्रूफ दिया था क्योंकि वो मेरे लोकल एरिया से थी, उस चीज़ की वो छानबीन करवा सकती थी वहाँ बैठ के कि हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। मैंने केवल उसको इसलिए बताया था। और तूने कहा कि मैं तुझे यहाँ प्रूफ दूँ, तो सुन, तू घंटा
मेरे लिए डिजर्व नहीं करती कि मैं तुझे तेरी बातों पर मैं अपनी फैमिली को यहाँ ला फैमिली को ला के और यहाँ प्रूफ चिपकाऊँ, क्योंकि तुझे साबित करना है। तो तू इतनी बड़ी नहीं है मेरे लिए, जाहिल गवार गटर छाप औरत, कि मैं तुझे अपने घर वालों की पोस्ट का या किसी का भी, किसी का भी इवन मेरी पढ़ाई का भी तुझे यहाँ पर चिट्ठा सौंपूँ, ठीक है? तो मेरे मुंह के जो वर्ड्स हैं तू उन्हीं को सुन ले, चाहे तुझे झूठे लगे हैं, चाहे तुझे सच लगे हैं, तुझे जो जैसे भी लगे वैसे लगे, तो तू इन्हीं को समझ ले, ठीक है? अगर तुझे और ज्यादा चुल मची हुई हो तो तू और चिल्ला, क्योंकि मैं तुझे बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। कर रही है ना, तो बकवास कंटिन्यू कर करके रख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे लिए ये डोज दिया था, अब तू इसे डोज कोई रख और तू यहाँ से आगे कंटिन्यू रख। तूने बोला था मैंने 50,000 की बालों में स्मूदनिंग करवाई है, भैया इंसान को झूठ भी, मैं ये नहीं कह रही 50,000 की 1 लाख की स्मूदनिंग नहीं हो सकती है, भैया हो सकती है, बहुत हो सकती है, पर उस चीज के लिए उस सोसाइटी में भी तो होना चाहिए। मतलब यार ऐसे धुआं मत तीर छोड़ते ना ये लोग, कि मतलब सामने वाला तो बेवकूफ ही बैठा है, उसको पता नहीं चलता है कि 50,000 का काम है या 1 लाख का काम है, क्योंकि 50,000 बालों पे खर्च कर लिए जाते हैं तो बाकी और चीज़ों पे भी खर्च करना होता है, और क्योंकि नहीं बाल ही नहीं है हमारे पास, और भी हमें पहनना होता है, ओढ़ना होता है, जाना होता है, कुछ करना होता है, जो कुछ भी करना होता है, बहुत सारी लाइफ में चीज़ें होती हैं, तो स्टैंडर्ड दिखाने की चीज़ नहीं होती है, वो इंसान के चीज़ से ही पता चल जाती है। और मैं यूँ नहीं कर रही, मैं बहुत ज़्यादा लखपति करोड़पति हूँ, क्योंकि अगर मेरे घर में कोई भी डिफेंस या गवर्नमेंट जॉब से या प्राइवेट जॉब से भी है, उसका पैसा उसके पास है, मेरा पैसा मेरे पास है। आई समझ में बात? तो तू 50,000 की करा रही है, 40,000 की करा रही है, और पहले स्मूथनिंग क्या बोल रही है, पहले देख अपनी वीडियो में, स्मूदनिंग होता है? और जो तू बोल रही थी ना इंडस्ट्री क्या बोल रही थी, उसको इंडस्ट्रीज बोलते हैं, तो पहले बोलना सीख के आ, जाहिल गवार अनपढ़ औरत। फिर ये लोग कहते हैं कि ये हम लोगों को ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मैं अपने वर्ड ही इतने ढंग से यूज कर लेती हूँ कि मैं तुम लोगों को यहीं से बैठ के ठीक कर दूँ, पर तुम लोग अपने जाहिलपने से बाज नहीं आते ना, तुम्हें अपना जाहिलपना देना होता है। और फिर सुनते सुनते लास्ट वीडियो में तुझे बोलती जा रही हूँ कि मैंने तुझे पर्सनल पहले से अटैक नहीं किया था, मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी जिसका मैं रिप्लाई कर सकती थी, बट मुझे नहीं लगा कि मुझे तुझे अपनी वीडियोस में बोलना है या तेरे के लिए बोलना है, क्योंकि तूने मुझे आज तक नहीं बोला, अगर मैं बोल रही हूँ तो तूने मुझे पर्सनली बोला है, तो तू अब सुनने की भी क्षमता रख। समझ में आया? अब गेट आउट हो जा, और आज के बाद मेरी वीडियो तेरे लिए नहीं आएगी। अगर तूने फिर भी ज्यादा कुत्ते की तरह भूखा ना, सुन ले, कुत्ते की तरह भूखा ना, तो मुझे कभी लगा कि तुझे कभी दाना डालना है तो मैं तेरे लिए वीडियो बना दूंगी, और मैंने तुझे दाना डाल दिया तो भूखना चालू कर।